गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं सुबह सुबह ही खाना बनाने में लगी हूँ क्योंकि आज ये सुबह जल्दी नहीं गए, आज ये थोड़ा लेट जाएंगे तो फिर ये खाना वाना खा के जाएंगे, इसलिए मैं फटाफट खाना बनाने में लगी हुई हूँ, नहीं तो इन्हें लेट हो जाएगी। हम क्या उठे थोड़ा लेट थे, फिर चाय वाय पी रहे तो फिर बैठ गए हम लोग थोड़ी देर गप्पे मारने के लिए, तो इस वजह से हमारी लेट होगी। तो इसलिए मैं फटाफट लगी हुई हूँ काम करने में कि फटाफट खाना वाना बना दूँ, फिर ये खाना वाना खा के जाएंगे। तो चलिए गाइस, फिर मैं फटाफट खाना बनाती हूँ। मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखिए आज ये लगे खाना खाने में, आज मेरा बिस्तर भी सेट नहीं हुआ। और ये दोनों ये देखो मेहमान, भाभी एक मेहमान है, ये भी मेहमान है। और ये देखो आज मामा भांजे ने मेरी रेल बना दी, इन्होंने तो सुबह सुबह मेरे से खाना बनवा दिया और ये जा रहा है मेरे से पोहे बनवाने, और ये दोनों मामा भांजे मिलके मेरी रेल बना दी आज पूरी की पूरी। तो आज आपको दिखाता हूँ मैं अपने घर पे झालर, और हमारे घर दो झालर आए हैं, नंबर वन झालर और एक नंबर टू झालर। कहाँ दिख रहा है क्या? और नंबर टू झालर और थर्ड नंबर झालर और फोर नंबर। गाइस अब ये ऑफिस जा रहे हैं और अन्नी इनके साथ ही निकल गई थी जाने के लिए, और अन्नी जब ये थोड़ा लेट जाते हैं ना तो बहुत जिद करती है साथ में जाने की और अंदर ही नहीं आती है। उन्हें उसे पकड़ पकड़ के अंदर लेके आ रहा है मगर वो अंदर आ ही नहीं रही है। और अब ये देखो अंदर जबरदस्ती ला रहे हैं मगर फिर भी अंदर नहीं आ रही है। तो गाइस अब ये जाए गए ड्यूटी, और मैंने बच्चों को दोनों बच्चों को दीदी के बच्चों के साथ छत पर भेज दिया थोड़ी देर खेलने के लिए। मैंने कहा थोड़ी देर इन्हें खिलाओ जब तक मेरा काम वाम हो जाएगा। और आज क्या दीदी के बच्चे उनू को ट्यूशन भी छोड़ के आए क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। और अन्नी को सुला के फिर मैंने फटाफट कपड़े वपड़े धोए और फिर मैंने नहाई वही करी और नहा धो के मैं 2:45 बजे तक फ्री हो गई थी, फिर उनू को लेके आ गई। गुड आफ्टरनून गाइज, अभी 3:15 हो रहे हैं और जस्ट मैं अभी उनू को लेके आई, फिर फटाफट रोटी बनाई। आज का दिन मेरा इतना ज्यादा हेक्टिक था ना कि क्या बताऊँ आप लोगों को। मैं खाना भी अभी खा रही हूँ, देखो आज ना मैंने ना बच्चों ने किसी ने खाना नहीं खाया, सुबह खाना बना दिया था। आज क्या थोड़ा लेट गए थे तो इनके लिए खाना तो मैंने सुबह बना दिया था मगर खाया नहीं, हम लोग ही बनाए थे। दीदी के बच्चे आए थे उनके लिए, उन्होंने बोला मामी साहब पोहे खाएंगे तो उनके लिए पोहे बनाए, तो और मैंने सब कुछ बनाया आज, नाश्ता बनाया खाना बनाया, बट हमने किसी ने खाना नहीं खाया। गाइस आज क्या अन्नी के चोट लगी थी, मैं पोछा लगा रही थी तो वो स्लिप हो गई उसी पे, तो आज तो ना सच बताऊं 1.5 घंटे तो उसने ही खराब कर दिए मेरे, तो इसलिए मैं और ज्यादा लेट होगी काम में। और न चलिए गाइस, फिर मुझे आज बहुत जोर से भूख लगी हुई है अब, तो अब मैं खाना खाती हूँ और फिर बात करते हैं। गाइस नहीं, आज मेरी अन्नी बाईचा के चोट लगी, ये दिखाओ तो चोट दिखाओ वीडियो में। अरे बाबा, अरे बाबा बहुत भयंकर चोट लगी है, अरे बाबा की ये देखो चोट लगी, ये देखो बाईचा का मुखड़ा चोट दिखा, ये देखो कहाँ लगी आपकी, आपके चोट कहाँ लगी आपका? ये रही अन्नी की चोट, ये रही चन्नी, अन्नी चोट दिखा दो। अरे बाबा बहुत प्यारी प्यारी चोट लगी,
बहुत जोर से चोट लगी आज। अन्नी आज कैसी चोट लगी, जोर से लगी? आज अन्नी को नहलाना था मगर इसके चोट लगी, फिर ये मेरे को छोड़ ही नहीं, फिर लेट हो गए हम लोग, फिर मैंने आज अन्नी को फिर से नहीं नहलाया। आज उनू अपने किचन सेट से खेल रहा है और उनू को किचन सेट से खेलना इतना अच्छा लगता है ना। और ये देखो इतना बदमाश है कि अन्नी को देता नहीं खेलने के लिए, तो अन्नी देखो कैसे रूठ के सोई हुई है। और ये बहुत गंदा, मैं से बहुत बोलती हूँ कि अन्नी को भी खिलाया कर अपने साथ, मगर ये खिलाता ही नहीं है, बहुत शैतान है। गाइस अन्नी फिर से गिर गई एक बार, उसके पहले भी बहुत सारा खून आया था और अभी फिर से गिर गई। उसके क्या बहुत ही गंदी आदत है, जब वो रूसती है ना तो ऐसे जमीन पे यूं लेट जाती है, और वो लेटने के चक्कर में वो मुंह के बल ही गिर गई और फिर उसके यहाँ पर फिर से खून आ गया। पहले तो होंठ कटा था और यहाँ मसूड़े में चोट लगी तो उसके फिर से खून निकल रहा है। गाइस ये देखो मेरा प्लांट कितना प्यारा लग रहा है ना, मैंने कल इसे खरीदा है, मैंने यही इसी कॉर्नर के लिए खरीदा है, और एक सेम टू सेम ऐसा उस कॉर्नर के लिए भी लूंगी मैं, फ्रीज हटाऊंगी और वहां लगाऊंगी। मगर ना कहते सेम टू सेम इसके जैसा था नहीं उसके पास, तो उसने कहा मैं आपको बाद में ला दूंगा, तो वो बाद में लेके आएगा, तो मैं वहां लगाऊंगी फ्रीज के कोने पे, और इसको मैं बालकनी में रखूंगी क्योंकि ये काफी बड़ा है। और ये ओह उनू को देखो भाई, आज तो गैस बच्चों को ओट्स खिला दिया और मैंने बनाई अपने लिए चाय, और चाय चढ़ा के मैं छत पे से कपड़े लेके आई। मैंने क्या ड्रायर करके कपड़े डाले थे बट फिर भी ना अच्छे से सूखे नहीं, तो थोड़े बहुत जो गीले थे, ज़्यादा गीले, उनको मैंने बालकनी में डाल दिया, बाकी सब बिस्तर पे रख दिया। मैंने कहा रात भर में थोड़े थोड़े सूख जाएंगे, जो हल्के से सिमे सिमे से थे, बाकी तो मैंने ड्रायर करके डाला था तो ऑलमोस्ट सूख चुके हैं। और अब मैं पी रही हूँ चाय और बच्चे देख रहे हैं दोनों टीवी। ये देखो गाइस मैंने जो सुबह दाल बनाई थी वो काफ़ी बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो बाटी बना लेती हूँ, क्योंकि रोटी तो सुबह ही खाई थी, तो मैंने कहा चलो बाटी बना लेती हूँ। और थोड़ी सी बाटी की मैंने चूरमा भी बना लिया क्योंकि दाल बाटी चूरमा खाने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने आज नाइट में दाल बाटी चूरमा बनाया है। दाल बाटी अच्छी लगती है? बस कोरी अच्छी लगती है, कोरी बाटी अच्छी लगती है। हाँ बस। और आप बताओ मुझे ये ना बाटी खाना, दाल खाना अच्छा होता है कि गंदा होता है? गंदा होता है। नहीं नो, दाल खाना अब बच्चों के लिए बहुत वो गिराएगी। दाल खाना बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, पता है आपको? उन्हें होता है दाल खाना। आप खाओगे मैं नहीं खाऊंगा, पर मैं सूखी बाटी खाऊंगा, सूखी बाटी। नो बेबी, दाल खाना बहुत फायदेमंद होता है। खाऊंगा इल्ला और इल्ला खाऊंगा इल्ला। अच्छा बताओ, सबको बताओ आज मैम ने आपको क्या क्या करवाया। आप लोगों को भी ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए जैसे मैं कर रहा हूँ। अच्छे बच्चे पढ़ाई करते हैं, अच्छे बच्चे पढ़ाई करते हैं, कभी शैतानी नहीं करते, कभी शैतानी नहीं करते, मम्मा पापा की बात मानते हैं, मम्मा पापा की बात मानते हैं। ओके बाय बाय। ओके बाय बाय।
नहीं गाइज, उनको होमवर्क करा रही हूँ क्योंकि सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता होमवर्क कराने का, तो मैंने कहा चलो अभी करा देती हूँ। तो मैं ऐसे लेके बैठी हूँ होमवर्क कराने के लिए, ये देखो। मुझे दिखाओ, मुझे इनसे बात ही नहीं करना। क्यों, इन्होंने क्या किया आपका? बात ही नहीं करना। कहता मुझे मत दिखाओ, मुझे इनसे बात ही नहीं करना। आप लोगों ने तो मेरा आज का हेक्टिक दिन देख ही लिया, कितना हेक्टिक था आज का पूरा दिन। पूरा सबसे जब से उठी हूँ ना तब से कुछ ना कुछ काम करने लगी हुई हूँ, पूरे दिन काम किया आज मैंने। हाँ बेटा कर लिया, दिखाओ। ये देखो उनका होमवर्क कर लिया। एक मिनट गैस में, बच्चों की घर बच्चों के साथ सच में अगर बिस्तर पे भी आके आप बैठ जाओगे ना तो भी रेस्ट नहीं कर सकते। ये देखो रेस्ट तो ये लोग करने ही नहीं देते बिल्कुल भी। अगर ये लोग सोए हुए तो इनके साथ पहले सो जाओ, बट ऐसे तो आप कभी भी नहीं रेस्ट कर सकते हो। और सच बताऊं ना तो मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, बिल्कुल भी नहीं सोती। ये देखो मुझे देती जा रही मम्मा मम्मा करके। मामा लो आगे लेने। मामा अने डांस करके दिखा दो, ऐसे ऐसे करके। अने डांस करके दिखा दो एक बार। चलिए गाइस, फिर व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बैकग्राउंड नॉइस को बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर करना। गाइस मैं क्या करूँ, मैं बाप से बात करती हूँ और इन दोनों का मुंह कभी बंद नहीं होता है, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। तो प्लीज बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट।